हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोशु विज्ञान। एंड आज बात करेंगे सुशील कुमार, जो रेसलर हैं और जिनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में ही कुछ केस हुआ है, न्यूज़ में आप सभी ने देखा होगा। सो उनकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने एनालाइज किया है एंड ये एक लर्निंग के लिए किया है, सो दैट आप सभी लर्न कर सकें। जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो हम क्लासेस में मैं अपनी क्लासेस की वीडियो बनाता हूँ, तो उसी के यू नो सीक्वेंस में ये एक वीडियो है, सो दैट आपको लर्निंग भी साथ साथ मिले कि डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सुशील कुमार, इनका नेम नंबर आता है 9 पर, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1983। ड्राइवर निकालेंगे तो 8 आएगा, कंडक्टर निकालेंगे तो 7 आएगा, एंजल नंबर 8 आएगा, ठीक है। तो ड्राइवर इज 8, कंडक्टर इज 7। अब देखिए, ड्राइवर 8 है, नेम कितने पर है? नेम है 9 नंबर पर। 9 एंड 8 ये दोनों आपस में एंटी नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत होती है कि इनका नाम एंटी नंबर पर है इनके ड्राइवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो पहली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। इनका चार्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। ये इनका लोशु ग्रेड का चार्ट है, आप भी इनकी डेट ऑफ बर्थ से बना सकते हैं, ठीक है। ये इनका चार्ट है एंड देन प्रॉब्लम शुरू हुई सबसे पहले इनके नाम से, कि इनका नाम नंबर 9 पर है, जो कि मैंने कहा एंटी है इनके ड्राइवर का। 8 और 9 आर एंटी नंबर्स, ठीक है। इनका पर्सनल ईयर जो है वो 9 एक्टिवेट हो चुका है मार्च 2021 से। पर्सनल ईयर 9, पर्सनल ईयर के बारे में भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिनको नहीं पता पर्सनल ईयर क्या होता है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। पर्सनल ईयर 9 का मतलब क्या होता है शॉर्ट में? ऑडिट और पनिशमेंट का साल, ठीक है। ऑडिट और पनिशमेंट का साल, और क्योंकि इनका पर्सनल ईयर 9 एक्टिवेट हो गया है और इनका ड्राइवर 8 है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों आपस में अगेन एंटी नंबर्स हैं, तो ये साल इनको कुछ अच्छा तो देने वाला था नहीं या है नहीं, ठीक है। सो ऑडिट और पनिशमेंट का ईयर इसलिए बोलते हैं कि आपने पिछले 8 सालों में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसका रिजल्ट आपको इस पर्सनल ईयर में जब आप एंटर होते तब आपको मिलता है, ठीक है। पर्सनल ईयर की वीडियो मैंने कहा पहले भी कि मैंने बना रखी है और यूट्यूब पर पढ़ी है मेरे चैनल पर, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। सो नंबर 9 इज़ अ ईयर ऑफ ऑडिट एंड पनिशमेंट, तो नंबर 9 में वो एंटर हो चुके हैं, उनका पर्सनल एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा ये था पर्सनल ईयर। अब उनकी एज की बात करते हैं, वो अभी अभी अपने 38 ईयर में एंटर हुए हैं। 38 इजिकल टू, अगर आप 38 को ऐड करेंगे 3 + 8 इजिकल टू 11, और 11 को 1 + 1 करेंगे तो आपका आएगा 2, ठीक है। तो वो अपने कौन से ईयर में एंटर कर गए हैं? 38 में, जो कि आता है नंबर 2 पर। अगेन न्यूमरोलॉजी में हम 2, 4 और 8 नंबर को अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। ये नंबर स्ट्रगल के होते हैं, मेंटल टेंशन के होते हैं। तो अब देखिए, वो अपने 38 ईयर में एंटर हुए हैं जो कि नंबर 2 पे आता है, तो अब उनको मेंटल टेंशन देगा ये साल, ठीक है, क्योंकि नंबर 2 में एंटर हुए हैं और नंबर 2 मेंटल टेंशन का साल होता है, तो वो नंबर 2 की प्रॉब्लम भी उनके साथ अब आएंगी। अब देखिए, जेल वेल जो भी उनके साथ अभी हो रहा है, ठीक है, वो सब मेंटल स्ट्रेस मेंटल टेंशन दे के जाएगा। रिज़ल्ट क्या होगा एंड में, आई डोंट नो। मैं रिज़ल्ट के बारे में बात नहीं करूँगा कि उनको सजा होगी या वो बरी हो जाएंगे या जो भी यू नो रिज़ल्ट निकल के आएगा, बट जो नंबर उनके इस साल के रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नंबर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में अपनी क्लास में वीडियोज़ दिए थे एक्शन प्लेन का, देखिए ये एक्शन प्लेन है 2, 7 एंड 6 वाला, ये कम्प्लीट है। मैंने कहा था जिस भी व्यक्ति का एक्शन प्लान कंप्लीट होता है उस बच्चे को बिना सोचे समझे आप ये बोल सकते हैं कि वो किसी भी स्पोर्ट्स वाले फील्ड में जा सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वाले फील्ड में जा सकता है। और देखिए, इनका 2, 7, 6 वाला प्लान कंप्लीट है। आप लोशु ग्रेड उनकी खुद बना लीजिएगा, जो मैंने पहले सिखाई है अपनी क्लास में, सो आप खुद ही देखेंगे। वैसे मैंने सामने बना रखी है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2, 7 एंड 6 उनका कंप्लीट है, दैट इज़ वाई ही इज़ इनटू स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ इनका एक और बहुत अच्छा चीज़ है 951, जो बहुत यू नो कम लोशु ग्रेड में देखने को मिलता है, जैसा कि अनिल अंबानी जी की में है, मुकेश अंबानी जी की में है, ठीक है। देयर आर सो मैनी पीपल जिनकी में है, बट जो नॉन पीपल हैं उनकी में ज़्यादातर देखा जाता है 951, ठीक है। सो इस चीज़ ने इनको फेमस भी बनाया, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा किया, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल भी लाए, बट प्रॉब्लम शुरू हो गई नाम से, पर्सनल ईयर से, और जो उनकी करंट एज में वो एंटर हो गए हैं, विच इज़ नंबर 2, विच इज़ अ ईयर ऑफ मेंटल टेंशन। सो ये था एक छोटा सा एनालाइजेशन ऑफ सुशील कुमार, जो रेसलर हैं और उनके साथ जो हो रहा है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कुंडली को
सॉरी कुंडली को नहीं, लोशु ग्रिड को लोगों की देखें, थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी वीडियोज़ में बता दी हैं और भी आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।